हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पापड़ रोल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पापड़ रोल। पापड़ रोल बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करूंगी। एक टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1 पिंच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक लिया है और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। ये मैंने 3 उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1/2 कप मैंने उबले हुए मटर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, नमक इसमें थोड़ा कम ही डालें क्योंकि पापड़ में भी बहुत नमक होता है, किसी किसी पापड़ में तो बहुत ही तेज नमक होता है, तो उस हिसाब से अपने पापड़ को चेक करके नमक डालें। थोड़ा सा मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। स्टफिंग बन गई है, गैस को बंद कर रही हूँ। अब इसके थोड़ा ठंडा होने की वेट करूँगी। ये देखिए, ये मैंने 6 पापड़ लिए हैं, इनसे मैं पापड़ रोल तैयार करूंगी। एक प्लेट में पानी डाल लें। पापड़ को पानी में डुबा देंगे। एक साथ सारे पापड़ ना डुबोएं कि ज़्यादा ना गल जाएं। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने का वेट करूंगी। पापड़ जब तक नरम हो रहा है तब तक मैं स्टफिंग से रोल्स बना लेती हूँ। इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। ये देखिए, इतने बड़े बड़े इसके रोल्स बना लेंगे। इसी तरह सभी रोल्स बना लूंगी। सभी रोल्स बन गए हैं, अब इससे आगे की तैयारी करूंगी। जो पापड़ हमने भिगोया था वो मैंने एक ले लिया है। ये रोल इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से भी फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। दूसरा पापड़ लेंगे और इस पापड़ को इसके बीच में रख के इसको डबल फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से सभी रोल तैयार कर लूंगी। सभी पापड़ रोल बन गए हैं, अब इनको शैलो फ्राई करूंगी। ये देखिए, इस तरह का कुछ फ्राइंग पैन ले लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। तेल गरम हो गया है। ये देखिए, रोल को लेंगे, जो ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ से हमने चिपकाया है, इसको नीचे की तरफ डालेंगे। नीचे वाला पोर्शन नीचे। साइड बदलते हुए हल्के हल्के गोल्डन कलर के इनको फ्राई करेंगे। ये जल्दी ही सिक जाते हैं। ये देखिए, ये सिक गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ। एकदम क्रंची क्रंची, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, इसी तरह सभी पापड़ रोल को मैं सेक लूँगी। सभी पापड़ रोल फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको सर्व करूँगी। बहुत ही देखिए कितने करारे बने हैं। मैं एक आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए, हमारे टेस्टी टेस्टी पापड़ रोल बिल्कुल तैयार हैं।
लीजिए, बनके तैयार हैं हमारे क्रंची क्रंची पापड़ रोल्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।